नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, उसके अंदर अपने पहले पहला लेसन किया था। अब इसमें देखो सेकंड जो लेसन है, सेकंड लेसन प्योर थ्योरी का है जिससे आगे न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उस चैप्टर को तो अपने बाद में करेंगे। पहले करेंगे अपने तीसरा लेसन जो न्यूमेरिकल है, और ये मान लो कि इसी के ऊपर अपनी पूरी की पूरी अकाउंट की बुक है वो आधारित है, इसलिए पहले अपने जनरल वाला लेसन करेंगे। तो तीसरा लेसन अपना है जनरल तथा सहायक भैया, जनरल एंड सब्सिडरी बुक्स है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था भी जनरल होती क्या है। जब कोई व्यापारी व्यापार करता है, जब कोई व्यापारी व्यापार प्रारंभ करे और आगे कोई भी ट्रांजैक्शन करे पूरी ज़िंदगी भर, तो जैसे ही वो ट्रांजैक्शन करता है और ट्रांजैक्शन करते ही वो जिस बुक में लिखता है वो जर्नल है। यानी सबसे पहले ट्रांजैक्शन करते ही वो जिस बुक में लिखेगा वो क्या है, जर्नल है। तो पहले देखो अपने जर्नल का प्रारूप कैसे होता है। सब जब जर्नल का प्रारूप बनाते हैं सबसे पहले ऊपर लिखते हैं जर्नल ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पर खालिस्तानी इसलिए छोड़ा है मैंने, यहाँ पर उस बिजनेसमैन का, उस व्यापारी का नाम आएगा जिस व्यापारी की हम जर्नल बना रहे हैं। तो जर्नल ऑफ जैसे रामनिवास के जर्नल ऑफ रामनिवास, या जर्नल ऑफ अजय, जर्नल ऑफ दिनेश, जिसका भी नाम है वो जर्नल ऑफ यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद उसमें इतने कॉलम होंगे, एक डेट का, एक पर्टिकुलर्स का, एक LF का, एक अमाउंट का, और अमाउंट की भी दो कॉलम होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, अब क्या करना आपको, देखो सबसे पहले डेट का कॉलम। अब डेट कौन सी, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होएगी, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होएगी और ट्रांजेक्शन होते ही अब जिस डेट को वो ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे मान लो 1 जनवरी को हुई तो यहाँ पर वो 1 जनवरी आएगी। यानी जिस दिन हमने वो व्यवहार किया या वो ट्रांजेक्शन करी उसकी डेट यहाँ पे आएगी। पर्टिकुलर का मतलब होता है विवरण, इसमें क्या चीज़ आएगी। मैन कॉलम इसका यही है, आपको एंट्री इसी में करनी है, एंट्री है वो इसी में करनी है। अब एंट्री कैसे होगी वो भी आपको बताएंगे, पहले ये ध्यान रखना कि इसमें विवरण आएगा उसकी एंट्री आएगी। LF का मतलब होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो का मतलब होता है खाता बही पृष्ठ संख्या। अब खाता बही पृष्ठ संख्या क्या होती है, देखो जब अपने जर्नल बना लेंगे तो जर्नल की सहायता से आगे वर्गीकरण करेंगे, खाता बही में खतौनी करेंगे, तो इस एंट्री की खतौनी जिस पृष्ठ पे होगी और जो खाता जिस पृष्ठ पे खुला होगा उस खाते की संख्या आएगी यहाँ पे, भी कितने नंबर पृष्ठ पर यह खाता खुला हुआ है यहाँ पर वो संख्या आएगी। फिर आएगा अमाउंट का कॉलम, डेबिट क्रेडिट, डेबिट माने नाम और क्रेडिट माने जमा। जब कोई एंट्री करते हैं तो अपने देखो लेखांकन में दोहरा लेखा पद्धति का प्रयोग करते हैं, दोहरा लेखा पद्धति का प्रयोग करते हैं, कहने का मतलब कोई भी एंट्री जब पूरी होती है जब अपने उस एंट्री में डेबिट भी करते हैं और जितनी अमाउंट से डेबिट करते हैं उतने अमाउंट से आपको क्रेडिट भी करना पड़ता है तो वह एंट्री पूर्ण होती है, अन्यथा वह एंट्री पूर्ण नहीं होती है। तो अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब आप देखो मान लो ये अपना प्रारूप हो गया, अपने इसके अंदर एंट्रियां करेंगे, एंट्री करते 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 अपना क्या हो गया, पेज है वो लास्ट में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। तो आपको लास्ट में यहाँ पर क्या है, टोटल लगाना पड़ेगा इस जर्नल का, और इसी जर्नल को अगले पेज पर दोबारा बनाया प्रारूप और वहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब करना कैसे, देखो इस जर्नल के अंदर एंट्री कैसे करते हैं, वो एंट्रियाँ सबसे पहले आप देख लो, कोई नया व्यापारी है और नया व्यापारी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो बिजनेस स्टार्ट करते ही वो क्या करता है, उस बिजनेस में पैसे लगाता है, और उसके द्वारा जो बिजनेस में पैसे लगाए जाते हैं, उसके द्वारा बिजनेस में जो पैसे लगाए जाते हैं वो उसकी कैपिटल कहलाती है। अब कई बार तो व्यापारी क्या करता है, वो पूरे के पूरे पैसे कैश में लगा देता है, कई बार ये होता है कि अपने घर पे जैसे कोई मान लो फर्नीचर वगैरह पड़ा है वो बिजनेस में ले आए भी काम आ जाएगा, जैसे 4 चेयर पड़ी थी तो ये भी ग्राहक बैठ जाएंगे तो वो भी ले आता है, या मान लो घर पे कोई 10 किलो चाय पत्ती ला के रख रखी थी अब उसने चाय पत्ती का ही काम खोल लिया तो वो कहे 10 किलो चाय घर पे क्या काम आएगी, उसे भी अपने क्या करते हैं बिजनेस में ले आते हैं। तो ये नहीं है ज़रूरी भी वो कैपिटल के रूप, कैपिटल को कैश के रूप में लाए, वो कैपिटल को कैश के रूप में ला सकता है, किसी असेट्स के रूप में ला सकता है, या फिर माल के रूप में भी ला सकता है। देखो बिजनेसमैन द्वारा जो जो चीज़ बिजनेस में आती है
वो सारी डेबिट की जाती है। अब उससे पहले एक बात पीछे थोड़ा सा चलो, जो मैंने कल आपको बताया था कि जब अपने जनरल करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, तीन खातों का ध्यान रखना पड़ता है, व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और वस्तुगत खाता। व्यक्तिगत खाते में मैंने बताया था आपको तीन रूल, वही व्यक्तिगत खाते में पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। वस्तुगत खाते में जो वस्तु बिजनेस में आई है उसे डेबिट करो, जो वस्तु बिजनेस से गई है उसे क्रेडिट करो। और तीसरी थी अपनी अवास्तविक या नामात्र का खाता। तो अवास्तविक या नामात्र का खाता कौन सा होता है? अवास्तविक या नामात्र खाते वो जो खर्चों से या फिर हानि से या फिर लाभ से या फिर आय से रिलेटेड होते हैं। तो इसमें बताया था सारे खर्चों को डेबिट करो, सारे लॉसेज को डेबिट करो, सारी इनकम को क्रेडिट करो, सारे प्रॉफिट को भी क्रेडिट करो। एक बात ये, अपने जो ये सारे अकाउंट बनाते हैं, जनरल बनाते हैं, सारा जो कार्य करते हैं वो किसके लिए करते हैं? वो अपने व्यापार के लिए करते हैं, व्यापारी के लिए नहीं करते। इसलिए जब अपने कोई भी एंट्री करेंगे तो अपने ये मान लेना व्यापार हैं और बाकी सारे अलग हैं। व्यापारी को भी क्या है, एक अलग माना जाएगा। हम सारा काम व्यापार का करते हैं, व्यापार के लिए करते हैं। अब देखो नया व्यापारी व्यापार में सबसे पहले क्या लगाएगा? सबसे पहले वो कैश लगाएगा कैपिटल के रूप में। हम मान लो कोई एक व्यापारी है, वो अपने बिजनेस में कैश लगाता है, अपने घर पे कोई असेट्स पड़ी थी वो लगा दी, या फिर कोई माल पड़ा था वो भी लगा दिया। लगाने वाला यहाँ पे कौन हुआ? व्यापारी। लेकिन व्यापारी व्यापार से क्या है? अलग है। इसलिए हमें व्यापारी को एक अलग व्यक्ति मानना है। ये मानना है कि ये जो सारी चीज़ें कैश है, असेट्स है या फिर माल है, देने वाला कौन है? वो व्यापारी है। लेकिन इतना भी ध्यान रखना, कोई भी व्यापारी अपने जर्नल में अपना नाम कभी नहीं लिख सकता। जैसे मान लो मैंने एक बिजनेस कर रखा है, तो मैं अपने बिजनेस की जब जर्नल बनाऊंगा या खाते बनाऊंगा तो मैं कभी अपना नाम नहीं लिखूंगा उसमें। उसमें नाम कभी अपना नहीं लिखा जाता। अब मान लो व्यापारी सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो क्या करेगा? पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करेगा। तो मान लो अपने इसमें एंट्री करके देखते हैं, एक बार हमारे पास कोई डेट नहीं है, पहले एंट्रियाँ देखो। नंबर एक है व्यापारी द्वारा रोकड़ कहते हैं नगद को, संपत्ति अथवा व्यापारी द्वारा रोकड़ संपत्ति अथवा माल व्यापार में पूंजी के रूप में लगाने पर, व्यापारी द्वारा रोकड़ संपत्ति अथवा माल व्यापार में पूंजी के रूप में लगाने पर। अब व्यापारी क्या कर रहा है? रोकड़ लगा रहा है, रोकड़ मतलब कैश लगा रहा है, अथवा कोई घर पे सेट्स पड़ी है वो लगा रहा है, और माल यानी गुड्स भी लगा रहा है। और किस रूप में लगा रहा है? वो व्यापार प्रारंभ कर रहा है, तो वो ये मान लो कि कैपिटल के रूप में लगा रहा है। अब व्यापारी अलग है, उसने ये चीज़ें मान लो व्यापार को दी है, तो हमें व्यापार को लेकर चलना है। तो जो जो चीज़ व्यापार में आती है उसे क्या करना है? डेबिट करना होता है। जो जो चीज़ व्यापार में आती है उसे आपको क्या करना है? डेबिट करना है। तो इसमें क्या आया? सबसे पहले एक तो कैश आई, तो कैश को आपको क्या करना है? डेबिट। अब जनरल बनाने का तरीका देखो क्या है। एक तो क्या है बिजनेस में कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट, और आगे क्या लिखोगे? डेबिट। एक तो कैश डेबिट हो गया, और उसने व्यापार में क्या लगाई? संपत्ति। अब संपत्ति का नाम हो सकता है जैसे बिल्डिंग लगा दी हो, कोई फर्नीचर लगा दिया हो, या अदर कोई संपत्ति लगा दी हो। मान लो उसने एक संपत्ति लगाई, एक बार अपने कुछ नाम नहीं लिखते इसका, इसके लिए लिख देते हैं अपने सन्ड्री असेट्स, यानी विविध प्रकार की संपत्तियाँ लगाई है।
ये भी क्या है, डेबिट। फिर उसने माल लगाया, तो माल जब व्यापारी सीधा माल अपने घर से लगाता है तो उसे स्टॉक लिखा जाता है, स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब देखो कैश सन्ड्री स्टॉक, इन तीनों को हमने डेबिट कर दिया। और क्यों किया, क्योंकि ये तीनों चीज़ें व्यापार में आई है, और जो चीज़ व्यापार में आती है उसे अपने क्या कर देते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये तीनों चीज़ें व्यापार में आई, कैश आया, संडी एसेट्स आई और स्टॉक आ गया। अब इन तीनों को तो हमने डेबिट कर दिया, इसकी जो अमाउंट होगी तीनों को डेबिट में लिखना है, ये अपने डेबिट अमाउंट लिखने का कॉलम है। तो ये कौन से खाते हो गए अपने, देखो जो कैश है वस्तुगत खाता है, असेट्स है वस्तुगत खाता है, स्टॉक है वो भी वस्तुगत खाता है, तीनों वस्तुएं हैं। अब तीनों वस्तुएं क्या व्यापार में आई है, तो जो चीज़ व्यापार में आती है उसे क्या करना है, डेबिट। और जब डेबिट करोगे उसके आपको आगे आपको डेबिट लिखना पड़ेगा, जैसे कैश अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट डेबिट और स्टॉक अकाउंट डेबिट। लेकिन अभी तक ये एंट्री पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी एंट्री तब तक पूरी नहीं होती जब तक उसके क्रेडिट में भी कुछ नहीं लिखा जाता। यानी अपने कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, दोहरा लेखा विधि का प्रयोग करते हैं, कि जितनी राशि से हम डेबिट करेंगे उतनी राशि से आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। जितनी राशि से आप क्या करते हो, डेबिट करते हो, उतनी राशि से आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अब क्रेडिट करने के लिए ध्यान रखना, पहले थोड़ी सी जगह छोड़नी है और यहाँ पर आपको टू लिखना है, यानी कि डेबिट के आगे तो हमने डेबिट लिख दिया, क्रेडिट के आगे क्रेडिट नहीं लिखा जाएगा, उससे पहले टू का प्रयोग करना है। टू लगने का मीन यही होया है कि वो क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अब कैश सन्ड्री असेट्स और स्टॉक, ये तीनों चीज़ें उस व्यापारी ने लगाई है, और मैंने बताया था व्यापार और व्यापारी ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, देने वाले का नाम लिखना है, और देने वाला कौन है, व्यापारी खुद है। और एक बार मैंने बताया था व्यापारी कभी भी अपने बिजनेस में कभी भी अपना नाम नहीं लिखता, इसलिए इतना ध्यान रखना, व्यापारी जो व्यापार में पैसे लगाता जाएगा ना या वस्तु लगाएगा, उसके लिए आपको उस व्यापारी का नाम नहीं लिखना, उसकी जगह आपको क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है। यानी व्यापारी द्वारा लगाई गई पूंजी है, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टू कैपिटल अकाउंट। अब ये क्रेडिट है तो क्रेडिट नहीं लिखना, आगे टू लग गया इसका मतलब मान लो कि क्रेडिट ही हो गया। अब आपको देखो ध्यान रखो, ये कैपिटल लिखा, इन तीनों में जितनी अमाउंट आई है ना जोड़ के, वो आपको सारी की सारी तीनों की अमाउंट जोड़ के और क्रेडिट में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। मान लो इसके 10,000 थे, इसके 10, इसके 20, तो ये कितने हुए, 40,000, तो कैपिटल के सामने आपको 40,000 लिखना है। जब भी कोई एंट्री पूरी होती है, जब भी कोई एंट्री पूरी होती है तो नीचे क्या करना पड़ता है, उसका नरेशन देना पड़ता है। जब कोई एंट्री पूरी होएगी तो आपको नीचे उसका नरेशन देना होएगा। नरेशन कैसे देना है, जब नरेशन दोगे तो पहले बीइंग का प्रयोग करोगे, क्या करना है, बीइंग का प्रयोग। और इसके नरेशन क्या होएगा, नरेशन यानी विवरण, वो क्या होएगा, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। इसने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया है, और क्या क्या लगाया, एक तो कैश, तो विद कैश, और क्या लगाया, असेट्स एंड गुड्स। यानी कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश के साथ, असेट्स के साथ और माल लगाकर, ये आपकी एक एंट्री होगी। जब आप नोटबुक में बनाओगे तो आपकी एक एंट्री नहीं बनेगी, एक पेज पे एक नहीं बनेगी, ज़्यादा बन जाएगी। फिलहाल अपनी मान लेते हैं कि अपनी एक एंट्री हुई, अपना पेज भर गया। सबसे पहले आपको क्या करना है, जब पेज भर जाए, जैसे ही एक नरेशन पूरा हो, एक एंट्री पूरी हो, तो क्या करना है आपको, नीचे लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने का मतलब हुआ कि हमारी यहाँ पर एक एंट्री पूरी हो गई है, ठीक है। अब आपको टोटल लगाना है, जैसे इसमें तो एक एंट्री करी है तो टोटल है इतना आ जाएगा, जो इसका टोटल होएगा और जो इसका होगा दोनों का बराबर, ही हमेशा ध्यान रखना। ये मान लो अपना टोटल आ गया एक पेज का, जैसे ही टोटल आ जाए एक पेज का, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल
CF. CF का मतलब क्या होता है? कैरिड फॉरवर्ड. CF का क्या मतलब है? कैरिड फॉरवर्ड. और कैरिड फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले जाया गया. कैरिड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? आगे ले जाया गया. ठीक है. और जब आप अगले पेज पे दोबारा जर्नल बनाओगे तो इस टोटल को आगे ले जाओगे. ठीक है. तो जब कोई व्यापारी शुरू में पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है तो उसकी एंट्री क्या होनी है? सबसे पहले तो मान लो उसने कैश लगाया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे. और क्या लगाया उसने? एसेट्स, तो संडे एसेट्स को डेबिट कर देंगे. और क्या लगाया उसने? माल, तो माल के लिए क्या लिखेंगे? स्टॉक लिखेंगे. और तीनों जोड़कर ये क्या हो गया? उस व्यापारी ने लगाई है तो यहाँ पर हिसाब से व्यापारी का नाम आना चाहिए. लेकिन व्यापारी अपनी बुक में कभी भी अपना नाम नहीं लिखता, इसलिए उसने क्या लिख दिया? कैपिटल लिख दिया. तो क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट. उसके बाद पूरे का टोटल लगा लोगे. टोटल लगाओगे तो क्या करोगे? एक प्रिलिमिनरेशन दोगे, उसके बाद टोटल लगाओगे. टोटल CF यानी कैरिड फॉरवर्ड, और वो टोटल आ जाएगा. अब क्या करेंगे? मान लो ये जनरल अपनी पूरी नहीं है, आपको और भी वारदियों में मिलेंगे. उस अब अपने अगले पेज पे दोबारा ये प्रारूप बनाना पड़ेगा. जब आप अगले पेज पे उस जर्नल के टोटल को ले जाओगे, ठीक है, तो उसे क्या करना पड़ेगा आपको? वही टोटल जो आपने पिछले पेज पे आगे लाना है, और उसके लिए लिखना है टोटल BF. BF का मतलब होता है ब्रोट फॉरवर्ड, यानी आगे लाया गया. वो तो क्या हो गया? आगे ले जाया गया. ये क्या हो गया? आगे लाया गया. तो ये क्या हो गया? टोटल BF आ गया. ठीक है. तो यह क्या? टोटल ब्रोट फॉरवर्ड, आगे लाया गया. ठीक है. उसके बाद क्या करना है? मान लो अब आपको दूसरी एंट्री करनी है. सबसे पहले व्यापारी ने क्या किया? सबसे पहले व्यापार प्रारंभ किया तो उसने पूंजी लगाई उसमें. अब पूंजी लगाने के बाद उसे माल खरीदना है. अब कोई व्यापारी जब माल खरीदता है तो दो तरह से माल खरीद सकता है, नगद खरीद सकता है और उधार खरीद सकता है. पहले अपने करते हैं माल नंबर दो पे लगा के माल का नगद क्रय करने पर. माल का नगद क्रय करने पर, अब माल जब नगद खरीदेंगे, नगद जब माल खरीदा जाएगा तो देखो आया क्या? माल. और गया क्या? कैश. जब नगद माल खरीदा तो आया तो क्या? माल. और गया क्या? कैश. जो चीज़ बिजनेस में आती है, मैंने बताया था, उसे डेबिट करो, और जो चीज़ बिजनेस से जाती है उसे क्रेडिट करो. इसमें दोनों ही वस्तुगत खाते हैं. एक वस्तु तो क्या है? बिजनेस में आई है, और एक वस्तु बिजनेस से गई है. इसलिए जो चीज़ बिजनेस में आई है, आया क्या? जब माल खरीदेंगे तो माल आएगा. और गया क्या? कैश. जब हमने माल खरीदा तो आया तो क्या? माल. और गया क्या? कैश. तो जो माल आया, जो चीज़ बिजनेस में आई, उसे डेबिट करो. तो डेबिट क्या होना चाहिए? माल यानी गुड्स होना चाहिए. और गया क्या? कैश. तो क्रेडिट क्या होना चाहिए? कैश होना चाहिए. लेकिन जब माल खरीदा जाता है ना, तो गुड्स को डेबिट कभी नहीं किया जाता. उसकी जगह आप परचेज को डेबिट करते हो. यानी आपको डेबिट किसको करना पड़ेगा? परचेज को करना पड़ेगा. तो माल का नगद क्रय करने पर आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट. डेबिट ये अकाउंट है, इसको शॉर्ट में लिखा गया है. यानी परचेज अकाउंट डेबिट. आपको एंट्रियों में हमेशा अकाउंट शब्द का प्रयोग करना ही करना है. अब आया माल, जो चीज़ गई उसे क्रेडिट करो,
और क्रेडिट करने के लिए आप किसका प्रयोग करते हो, टू का। तो टू लगाया और आगे क्या लिख दिया, टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। अब देखो परचेज की अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे अपनी, जितनी परचेज की है, कैश के सामने भी क्या है उतनी लिखेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट लिख दिया नीचे, लेकिन कैश के आगे टू लगा दिया तो क्रेडिट नहीं लगाएंगे, इसके आगे टू नहीं लगाया, बाय नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, इसलिए यहाँ पे डेबिट लिख दिया। अब फिर एंट्री पूरी हुई, यहाँ पर आपको क्या करना है, नरेशन करना है, नरेशन या नीचे विवरण देना है। तो क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड विद गुड्स परचेज्ड, लिख दो, चाहे इतना ही लिख दो तो भी नगद माना जाएगा, अन्यथा इसको क्या लिख सकते हो, बीइंग गुड्स परचेज्ड विद कैश, नगद माल खरीदा गया, यानी क्या करोगे, नगद माल खरीदा गया, ये आपकी एंट्री होगी। तो जब नगद माल खरीदा, तो नगद माल खरीदने पर आपके पास आया क्या, माल, और गया क्या, कैश। जो चीज़ बिजनेस में आई तो आया गुड्स है, लेकिन गुड्स कभी डेबिट नहीं होता, माल क्रय करने पर डेबिट किसको किया जाता है, परचेज को। तो डेबिट तो क्या हो गया, परचेज हो गया, और गया क्या, कैश। तो क्रेडिट किसको कर दिया, कैश को कर दिया। तो एंट्री क्या बनी अपनी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अपने फिर ये मान लें, फिर अपना पेज भर गया, मान लेते हैं अपने, अब आपको फिर वही लिखना है टोटल सी एफ, और इन दोनों का टोटल लगा देना है, इन दोनों का टोटल लगा के, और फिर वही जब अगले पेज पे फिर बनाओगे आप, तो वहां पर क्या करोगे, टोटल बी एफ लिखा रही है, टोटल वहां पे आगे चला जाएगा। अभी अपनी दो एंट्रीज हुई है, आगे बहुत सी एंट्रियाँ हैं, क्योंकि बिजनेस में बहुत सी ट्रांजेक्शन होती है। तो कल हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।